get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it, I'm the only one that really want it. Hey, what's up guys, this is Tiran and welcome to brand new exciting video. Alright guys, so guys, ये day 2 है, आज मेरा दार्जिलिंग के अंदर, और आज है 28 सितंबर है, और मेरे हॉस्टल में दो और भी गेस्ट हैं जो यहाँ रुके हुए हैं, जो ये अरुण जी, हेलो, और ये सुधा. तो ये सब मेरे साथ हैं, हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, और इन्होंने अभी मेरे लिए टीवी ऑर्डर की है, और वो भी आ रही है, मिमी आलू, आलू मिमी, जो यहाँ काफ़ी फेमस है, फेमस है यहाँ के लोग, काफ़ी दार्जिलिंग का काफ़ी लोग खाते हैं, नमकीन और पहाड़ी आलू होता है उसमें, पहाड़ी आलू इधर का भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा बहुत टेस्टी होता है. तो इनसे काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी हम नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं लोकल यहाँ के प्लेसेस. तो टी मेले इन्होंने स्पेशली मिल्क टी मंगाया, क्योंकि यहाँ के लोग है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं, मतलब ये क्या बोल सकता, ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं. तो मिल्क टी अभी मैं ट्राई करूँगा, मॉर्निंग मैंने एक और पिया था, बट वो काफ़ी स्ट्रांग था, और मुझे अपना कड़क था, मेरे को बेसिक चाहिए, वो मेरा वाला टेस्ट है राजस्थान वाला, बट यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ सब लोग कड़क पीते हैं. ठीक है, अभी मिल्क सॉरी टी फिनिश करते हैं, फिर आलू मिमी आने वाला है, तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद. तो ये आ रहा है हमारा आलू मिमी, इनका आ गया, ये मेरा आ गया. अच्छा ओपन नहीं गिरा, किस्मत अच्छा था, ये आलू मिमी आ गया, इसमें नमकीन है. अच्छा इसमें नमकीन होता है, देख सकते हो सबका आ गया, मसालेदार है. अच्छा मैंने ऊपर खाया था, पर मैंने चना भी मिक्स करवा दिया उनको, तो बहुत अच्छा टेस्ट है. ऑलराइट गाइस, सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, आप जैसा देख सकते हो, और अभी मैं निकलने वाला हूँ, आज दार्जिलिंग डे 2 है, तो थोड़ा और डिफरेंट लोकेशन एक्सप्लोर करूँगा और उनको विजिट करूँगा. तो चलते हैं, और हॉस्टल का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ आपको. तो बेसिकली ये है हॉस्टल, 200 बक्स पर डे का है, ये 300 की है, बेड है एक्चुअली, यहाँ पर थोड़ा बेड थोड़ा बड़ा है, और आर ओ भी लगा हुआ है, देख सकते हो पानी पीने के लिए, और मेरा बेड इस साइड में है, ये मेरा बेड है 200 रुपीज़ में, और कुछ और भी है, सब अभी बाहर गए हैं. तो मैंने मुझे लगा कि अभी मैं आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ, इसमें आपको एक नीचे लॉकर भी मिलता है, आप अपना सामान अंदर डाल के लॉक कर सकते हो. जो ये जो बजट ट्रैवल करते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि बजट ट्रैवल जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ा पैसा बचाना होता है, और वो घूमना ज़्यादा होता है नाइट में ओनली सोने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट है. जो घूमने के लिए आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट, उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये, क्योंकि वो अलग फील के लिए आ रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को अच्छे से देखना चाहते हैं, तो वो अच्छी जगह ले सकते हैं जहाँ का व्यू अच्छा हो. मैं उस पर्पज़ से नहीं आया, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और लोकल कल्चर एक्सचेंज कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ लोगों से, तो उस टाइप का मेरा प्लान है. तो मेरे लिए सिर्फ सोने के लिए चाहिए मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेता हूँ, बहुत ही बजट ट्रैवल, बहुत ही बजट के हिसाब से. तो चलते हैं बाहर, रेडी टू गो. और वेदर काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैंने आज अपना जैकेट पहन लिया, डाइनिंग जैकेट, और बैग रेडी है मेरा, इक्विपमेंट वाला बैग मैं हमेशा साथ में रखता हूँ, और मैन बैग है जो मैंने अंदर डाल दिया है इसके अंदर, जिसमें कपड़े हैं ऑनली और कुछ भी नहीं है. तो चलते गाइस, लेट्स गो. वेदर क्लियर है, साफ है, बट थोड़ा सा ठंडा है, देख सकते हो. थैंक यू लिफ्ट देने के लिए, आराम से वापस घुमा लीजिए. ऑलराइट गाइस, तो गाइस इन अंकल ने मेरे को लिफ्ट दे दी, लगभग उन्होंने दे दी ऑलमोस्ट मेरे को 4-5 किलोमीटर की, और मैं अभी जा रहा हूँ रॉक गार्डन. जो रॉक गार्डन यहाँ से 3 किलोमीटर और रह गया मोर, वो पूरा डाउन जाता है ये रोड, और टैक्सी वाले चार्ज कर रहे थे 500+ उससे ज़्यादा, तो एक लिफ्ट लेके आ सकता, वो बोल रहे बहुत दूर है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है,
क्योंकि मैंने गूगल मैप में देख लिया था, गूगल मैप में बता रहा था 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया और 3 किलोमीटर बाकी है। ये सीधा रोड नीचे की ओर जाता है तो जो अपने दार्जिलिंग का मेन हिल है उससे नीचे पूरा देख सकते हो। और जो अंकल जो बाइक राइड कर रहे थे वो बोल रहे मैं आज 30 साल बाद में मैं बाइक राइड वापस मैंने स्टार्ट किया है, तो वो थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे और बाइक भी किसी का मांग क्या है, तो बोला मैं लर्नर हूँ। मैंने कहा कोई नहीं धीरे धीरे चलते अपन, तो भी उन्होंने मेरे को यहाँ तक सेफली छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो चलते हैं जहाँ से मैं ऊपर नीचे आया हूँ, बहुत ज़्यादा खड़ी है, खड़ी एकदम रोड है और फिर ये नीचे जाती है, तो गाड़ियाँ को बहुत स्पीड से भगाते हैं यहाँ पर ताकि आराम से ऊपर की ओर चढ़ सकें। तो और देख सकते हो यहाँ पूरा चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है, पूरे आपको माउंटेन ही मिलेंगे और बहुत खूबसूरत व्यू है आज का। और देख सकते हो वेदर कितना टच है पहाड़ों के, यहाँ देखिए पूरे पहाड़ बादल पूरे टच हो रहे हैं चारों तरफ, देख सकते हो। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ के लोग हाउस को काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं और वेल मैनेज रखते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं, एकदम साफ़ सुथरा और मतलब पूरा अच्छे से डेकोरेट करके हर घर के आगे आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे और प्लांट्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को कि लोग इतना अच्छे से मेंटेन करते हैं। यहाँ भी देख सकते हो प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत सारे और घर के ऊपर भी देख सकते हो, सारे घर आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए सब जगह फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये नेचुरल फ्लावर्स है। ऑल राइट गाइस, तो गाइस यहाँ से व्यू देखिए पूरा एकदम यहाँ से खाड़ी है और पूरे पहाड़ है और काफ़ी अच्छा वेदर है। नीचे ये रोड जाती है पूरा घूम घूम के जो नीचे रॉक गार्डन के लिए जाती है, तो देखता हूँ लिफ्ट तो यहाँ अभी कोई आ ही नहीं रहा है, इस रोड से खाली है, नहीं तो लिफ्ट लेके 3 किलोमीटर है, तो मैं एक्चुअली 3 किलोमीटर पैदल भी जा सकता हूँ बट मैं जल्दी थकना नहीं चाहता क्योंकि आज मेरे को कुछ और प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने हैं। मैं चाहता हूँ रॉक गार्डन को जल्दी से पहुँच जाऊँ और जल्दी से उसको एक्सप्लोर कर दूँ और वापस ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ नॉर्मली लोग जाते नहीं है क्योंकि पूरा पहाड़ी है और नीचे खाड़ी के अंदर रॉक गार्डन है। तो देखते हैं कोई बाइकर मिल जाता है या कोई कार जो मेरे को लिफ्ट दे, नहीं तो टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं, 3 किलोमीटर में पैदल जा सकता हूँ अब इतना श्योर हूँ मैं। सो देखते हैं, लेट्स सी। क्या नाम है इसका? कांची। कांची, ओके कांची। कौन सी ब्रीड है ये? कौन सी ब्रीड है? अच्छा लोकल ब्रीड है, मिक्स ब्रीड होगी कांची। ओ लेफ्ट से भी चलेगा सीधा में भी चलेगा। अच्छा डिफरेंस क्यों है, क्यों दो रास्ता बना दिए? वो नहीं, पहले लैंडस्लाइड हुआ था इसलिए। अच्छा। वो नया रास्ता नया बनाया फिर उसको क्लियर कर दिया, पहले क्लियर कर दिया, अभी दो रास्ता है। ओके थैंक यू सर। ओके क्या नाम आपका? गुड नेम सर। मेरा नाम जुगल राय। अच्छा जुगल राय जी ने मेरे को आधा किलोमीटर और लिफ्ट दे दी नीचे, थैंक यू सो मच। ब्लॉक कर रहे जी जी थैंक यू। ओके तो जुगल राय जी ने आधा किलोमीटर और नीचे पहुँचा दिया, 2.5 रह गया। ये मेरे को समझा रहे थे कि नीचे दो रास्ते हैं जाने के लिए, तो धीरेन सिसोदिया। चैनल का नाम पूछ रहे थे। मैंने इस जर्नी में बहुत लोगों को सब्सक्राइब करा है, मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे, तो अभी देखते हैं और लिफ्ट मिल जाएगा तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ के लोग मेरे को अगेन चैलेंज कर रहे थे कि आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, आप ऐसे पहुंच नहीं सकते, बहुत डाउन है, बट इतना कवर कर लिया है और 2.5 और रह गया है वो भी क्लियर कर लूँगा, पहुंच भी जाऊँगा और वापस भी आई होप मैं आराम से ऊपर आ जाऊँगा लिफ्ट लेके। लेट्स गो। ऑलराइट गाइज, तो गाइज यहाँ से दार्जिलिंग का जो हिल है जिसपे पूरा सिटी है वो पूरा अच्छे से दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट।
तो ये पूरा हिल है, देख सकते हो बहुत सारे हाउसेस बने हैं। और यहाँ सारा पूरा टी गार्डन है, पूरा ऐसे खेती होती है जैसा देख सकते हो पूरा। और इस साइड में कुछ फार्मर्स हैं जो टी गार्डन पे दवाई वही लगा रहे हैं। ये पूरा टी गार्डन है देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और सर कैसे? एकदम ठीक। अच्छा, ये टी गार्डन है पूरा जी। तो अभी आप क्या दवाई लगा रहे हो उस पर? कितना मतलब इसमें कीड़े नहीं पड़े? अच्छा अच्छा। और ये टी गार्डन की फैक्ट्री कहाँ जा देख सकते हैं? यहाँ से इतना ही, कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर किलोमीटर रॉक गार्डन से आगे है? रॉक गार्डन इधर है, फैक्ट्री उससे नीचे। अच्छा अच्छा, रॉक गार्डन की ये रोड है। अच्छा ये रोड है, ओके जा। और ये पूरा टी गार्डन है, ओके। और ये फैक्ट्री कहाँ है जहाँ टी बनती है? उस रोड पे कितना? आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा पहुँचने गाड़ी में, जहाँ वहाँ टी पूरा बनाया जाता है। अच्छा, और ये अभी यहाँ सफाई हो रही है टी की। इसमें क्या छोटी वाली पत्ती काटते हैं, क्या करते हैं? छोटी वाला जिसका नई पत्ती होती है जी, आप बता रहे हो मेरे को जी। तो सर मेरे को बता रहे हैं कि कौन सी पत्ती ली जाती है जिसमें टी बनती है। तो ये गार्डन के अंदर लेके जा रहे हैं मेरे को, यहाँ से ही बता रहे हैं ये। अच्छा नई पत्ती, ये नई पत्ती ली जाती है जितना भी नए नए पत्ता दिख रहा है जिसमें ये टेबल है ना, टेबल जी, टेबल के ऊपर जितना भी है इस सब को तोड़ना पड़ता है। और ये फिर फैक्ट्री में जाता है, फिर इसको वही 7 दिन का प्रोसेस होता है। कितना दिन का? 2 दिन में, एक दिन आगात भर में सूख जाएगा, कल तैयारी होगा। अच्छा तैयारी होने लग जाएगी, ओके। और ये सब अभी टी लेने जा रहे हैं तोड़ना। अच्छा नमस्ते, नमस्ते। आप चाय लेने जा रहे हो टी तोड़ने, ओके। तो कितना टाइम लगता है एक झोला बनने में? हिंदी बोलने मैं ये पूछ रहा हूँ, एक झोला भरने में कितना टाइम लग जाता है? ये भरने में 15-20 मिनट में भर दे तो आप? नहीं नहीं, एक घंटा लगे इसको फुल बनाने में। फुल भरने में तो फिर खातना पड़ेगा फीट में। और अच्छा अच्छा, टूस टूस के। अच्छा अच्छा, तो ये डेली आप यही काम करते हो? हाँ यही काम भी है। तो आपके खुद की खेत है या आप किसी और के लिए काम करते हो? नहीं, वो इसका मालिक तो कलकत्ता में है, बगरिया टी कंपनी लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो लोग क्या गार्डन को पूरा रेंट पे ले लेते हैं कि कैसे करते हैं वो? पूरा जमीन खरीद लेते हैं? जमीन उसका ही। अच्छा जमीन उसी का है? वो यही का है? नहीं, ये वो तो कलकत्ता का है, तो यहाँ का किराए पे जमीन ली उसने, टी गार्डन लिया। ओके ओके, तो फिर आपको कितना मिलता है पगार एक दिन? टका कितना मिलता है एक दिन का? 200 रुपये एक झोले का। अच्छा, जितने दिन में एक ही भरा, एक ही भरते होंगे आप? और अच्छा 10 kg, 12 kg नीचे तक छोड़ दोगे सर रॉक गार्डन? चलो ओके, लिफ्ट में मिल गया, अच्छा लगा मेरे से आपको बात करके, ओके थैंक यू। ठीक है सर, बाय। ओके सर, लिफ्ट मिल गई। सर आपका नाम? मनीष जी। मनी ओके, मनीष जी ने लिफ्ट दे दिया मेरे को। 1.5 किलोमीटर है आई थिंक यहाँ से रॉक गार्डन। आप वहीं जा रहे हो क्या? अच्छा उधर से आगे जा रहे हो। थैंक यू सो मच। मेरा YouTube चैनल है धीरेन ससोदिया। धीरेन ससोदिया, थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। यहाँ तक आपने आराम से मेरे को पहुँचा दिया सेफली। ओके सर, आराम से जाइए। ऑलराइट गाइस, गाइस फाइनली रॉक गार्डन पहुँच गया हूँ 10 लिफ्ट देके। और यहाँ से अभी टिकट लेता हूँ, टिकट का क्या प्राइस है विजिटिंग का अभी बताता हूँ आपको। एक टिकट सर? ओके गाइस, ये 20 रुपीज़ का टिकट है। Thank you.
वाटरफॉल आपने देख लिया। रॉक गार्डन का जस्ट एंट्री होता है, जस्ट एंट्री के सामने ये वाटरफॉल है। इसके दो डिवाइड कर रखे हैं, दो अलग अलग जगह से पानी निकलता है। और अभी मैं थोड़ा हाइट पे ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा रॉक गार्डन के लिए, तो देख सकते हो। और नीचे पार्किंग है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, सारी गाड़ियाँ पार्क होती है, फिर आप ऊपर ले जा सकते हो। और आई थिंक ये डस्टबिन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। ये एक पोर्ट है जिसमें ट्री है, देख सकते हो, ऐसा स्ट्रीट रास्ता बना हुआ है जाने के लिए ऊपर, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा वेदर है और राइट टाइम है आज घूमने के लिए, तो चलते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया, अगर आप आओ तो यहाँ बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ सकते हो। ये पूरा ऐसे होके जाएगा रॉक गार्डन, देख सकते हो सामने। हाँ ठीक ठाक लोग आए, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है बट अच्छा है। और ये यहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है, जो आगे एक और वाटरफॉल है दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये यहाँ से आता है वाटरफॉल पूरा, फिर नीचे होके आगे चला जाता है, तो देख सकते हो पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। वाटरफॉल का सही पीक पॉइंट था, तो मैंने अच्छी अच्छी कुछ फोटोज़ क्लिक की है जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ये यूज़र नेम है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अच्छा खासा व्लॉग शूट हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। जब आप जब भी एडिट करके डालूंगा, अभी तो आप देख रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके तो गाइज़ मैं नीचे से इस साइड से ऐसे आया हूँ और ये रास्ता और ऊपर के लिए जाता है और एक रास्ता नीचे के लिए जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वाटरफॉल तो देख लिया है, ठीक है, और कुछ यहाँ मतलब ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैन वाटरफॉल है और यहाँ का ये वेदर और ये यहाँ का ये फॉरेस्ट एरिया है जिसमें मतलब कि एकदम आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि ये पूरा ऐसे घूमेगा आगे और कुछ वाटरफॉल अगेन यही वाटरफॉल मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, मेरे को कुछ और प्लेसेस भी देखने हैं, ज़्यादा यहाँ टाइम मैं स्पेंड नहीं करना चाहता। और यहाँ का टिकट जो एंट्री फ़ी है वो 20 रुपीज़ है, कैमरे का कोई चार्ज नहीं। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा यहाँ का कि कैमरे के लिए आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ ओनली कैमरे का चार्ज करते हैं। जैसे आपको पता होगा पटना में मेरा जो इस कैमरे के लिए वो 300 मांग रहे थे, मैं 300 नहीं पे कर सकता इस कैमरे के लिए, तो मैंने अपने GoPro से रिकॉर्ड किया था वो वीडियो। तो मैं सोच रहा हूँ बस देख लिया वहाँ वाटरफॉल उस साइड था और ये नीचे के लिए जाएगा वापस घूम के, तो चलते हैं नीचे ही चलते हैं। और तो क्या, ये और लंबा चौड़ा हो जाएगा और टाइम लगेगा वापस आने में भी। सो धीरे धीरे नीचे चलता हूँ और देखता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी तो और मैं आपको दिखाऊँगा। लेट्स गो।
ओके तो गाइस रॉक गार्डन से एग्जिट हो गया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लगा, सही है, वर्थ इट है 20 रुपीज़। तो अभी चलते हैं वापस, दार्जिलिंग जाना है, सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ यहाँ से, चिप्स पी लेता हूँ। हो गए, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा चाय बनाया, थैंक यू। तो ऑल राइट गाइस, तो गाइस चाय और मैंने एक चिप्स लिया, काफ़ी अच्छा था चाय। एक्चुअली यहाँ लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो मेरा दिक्कत है, तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा दूध ज़्यादा डालो और चाय पत्ती थोड़ा कम डालो ताकि टेस्ट मेरे टाइप का हो जाए, तो उन्होंने वैसा ही किया और चाय काफ़ी अच्छा बना। काफ़ी टाइम बाद में थोड़ा यहाँ का चाय मेरे को पसंद आया, सो अच्छा लगा फाइनली। सो चलते हैं अभी वापस चाय की लिफ्ट लेके वापस पहुँचना है, काफ़ी गाड़ियाँ निकल गई है तो देखते हैं मेरे को लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, बट मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी लोग रॉक गार्डन को विज़िट करने के लिए आते हैं, सो लेट्स सी, देखते हैं। गाइज मेरे को रॉक गार्डन से यहाँ तक की लिफ्ट मिल गई थी, एक सर है जिन्होंने मेरे को लिफ्ट के लिए अलाउ किया, वो अपना उनका प्राइवेट टैक्सी उन्होंने हायर किया था। और अभी मैं आया हूँ जो अपने दार्जिलिंग के अंदर रोप वे चलता है, तो वो उसका मैं राइड करने के लिए आया हूँ, जिसका टिकट है 250 रुपीज़ है, आप राइड कर सकते हो, 30 मिनट जाने को लेके जाते हैं, 30 मिनट वापस आपको लेके आते हैं, तो मैं वहीं पर हूँ, देख सकते हो ये पूरी लाइन लगी हुई है वहाँ तक। और ये यहाँ टिकट खिड़की है जो 250 आपसे चार्ज करेगी पर टिकट का, बट अभी टाइम लगेगा हमारे टिकट का नंबर आने में क्योंकि लोग जा रहे हैं। ओके तो गाइस लाइन लगी हुई है, थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारा नंबर नहीं आ रहा है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, देख सकते हो थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, फिर हम एंट्री करेंगे। Nights go by when I need ya. Sleepless thoughts about your features. When I awake, I still dream about you. And I wonder if you dream about me too. Do we run away from the city lights? Up to the coast under starry skies. Tell me now when you close your eyes. Am I by your side? Daydreamer, don't let go. I need you more than you know. Daydreamer, is this real? Can you tell me just how do you feel? When I need ya, sleepless thoughts about your features. When I awake, I still dream about you. Daydreamer, don't let go. I need you more than you know. Daydreamer,
is this real? Can you tell me just how do you feel? Daydreamer, don't leave now. Keep my head up in the clouds. Daydreamer, is this real? Can you tell me just how do you feel? ओके तो गाइस यहाँ एक गार्डन सा है, यहाँ थोड़ा घूम सकते हो, खा पी सकते हो. एक दो रेस्टोरेंट है देख सकते हो यहाँ पे. तो चलते हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं. रोपवे का जैसे जैसे आता है खाली होता है फिर वापस बैठ आते हैं और फिर वापस की लोग चलते हैं. और यहाँ आपको मास्क पहन के आना पड़ेगा, नहीं तो आपका एंट्री नहीं होगा. और कुछ रोपवे ख़राब यहाँ पड़े जिसके अंदर घास फूस है, देख सकते हो यहाँ पे इनके अंदर घास फूस डाली हुई है. तो काफ़ी सही है. बस रोप में बैठने में थोड़ा सा ये फील हुआ कि है ना ऑक्सीजन का थोड़ा कमी लगा मेरे को, बाकी सब अच्छा था. और कैसे तो अभी चलते हैं. यहाँ स्टॉल है एक दो, वहाँ से रोप वे आते हैं. मैं कोल्ड ड्रिंक सोच रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने का. कोल्ड ड्रिंक मिलेगी? मेरे को चाहिए अपने पेप्सी छोटा वाला. छोटा पेप्सी नहीं तो फ्रिज पिए, पूरा ठंडा चाहिए मेरे को. जी ऑलरेडी गाइज, तो गाइज इवनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, 4 बज गए हैं और यहाँ जल्दी इवनिंग होना चाहिए. 5 बजे तक काफ़ी शाम हो जाती है और काफ़ी ठंडा वेदर हो गया है. काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं घूम रहा हूँ. सामने रोप वे है बट अभी मेरा नंबर नहीं आया और मेरे साथ और 2 गेस्ट भी है तो मेरा उनका टिकट कम्बाइंड है तो मैं उनके साथ ही निकलूँगा. बट मैं उनको ढूँढ रहा हूँ क्योंकि वो दोनों कपल्स हैं तो पता नहीं वो किधर है, तो वही ढूँढ रहा हूँ मैं उनको. शायद यहीं आस पास होंगे. चलते हैं. ओके तो गाइस, रोपवे स्टेशन वापस हम आ गए और अभी वेटिंग चल रहा है. अभी ये जाएगा, ये वो तो चल नहीं रहा है और जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद में जो आएगा उसमें हम जाएंगे. तो अभी वेट कर रहे हैं. तो वो ऐसे ये धक्का मारते हैं फिर ये अपना आप चलना स्टार्ट हो जाता है. तो ये झूल रहा है थोड़ा. और ये स्टार्ट. ठीक है सर, थैंक यू. ओके बंद कर देना उसको.
ओके तो गाइस वापस आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल के जस्ट पास में, और काफ़ी अच्छा रह गया उनके साथ लिफ्ट मिल गई वो कपल से, और तो आराम से घूम पाया मैं। उन्होंने नीचे से लिफ्ट दी थी अपने रॉक गार्डन से, और रॉक गार्डन से वापस अपने रूफ वे तक के लिए छोड़ दिया था, तो काफ़ी सही हो गया। और अभी चलते हैं हॉस्टल। ओके तो गाइस डिनर आ गया है और मैं हॉस्टल पहुंच गया हूँ। एक दीदी है यहाँ ऊपर, उन्होंने बनाया खाना। एक्चुअली यहाँ वेज कम मिलता है, तो स्पेशली उन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई, पहाड़ी आलू और रोटी, तो ये मैं खाऊंगा अभी। ऑलराइट गाइस, तो गाइस मैंने खाना खा लिया अच्छे से, दीदी ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया, और मैं सोच रहा था इस व्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ दार्जिलिंग डे 2 को, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और कल कुछ और प्लान है, तो देखते हैं कल के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और अगर ये आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता आप मेरे को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है, आप देख सकते हो। कोई क्यू हो तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपके डीएम का, और मैं मिलूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज गाइस, वन थिंग ऑल इज रिमेंबर, नेवर गिव अप, पीस, बाय। Fearless.